जी कैसे हैं आप? कैसे बढ़िया मैम, हैं आप? नमस्कार धन्यवाद इनविटेशन के लिए। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकाल कर दिया। सुमित जी, ये चीन और भारत के बीच हमने देखा कि बॉर्डर पर काफी टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन उसी बीच 40.4% कारोबार बढ़ा है, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए अंबा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनली अगर आप 3-4 साल पहले जाएं, हम चाइना को एक थ्रेट मानते थे, एडवर्सरी नहीं मानते थे। और इस थ्रेट की सबसे पहले जिसने परिकल्पना की थी और जिसने डेफिनेशन दी थी, वो थे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी। उन्होंने बोला था, चाइना इज थ्रेट नॉट पाकिस्तान। ये तब से एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, जियो पोलिटिकल सर्कल्स में चाइना को थ्रेट माना गया। पर मोदी जी ने एक कोशिश की, एक पहल की, जी जिनपिंग साहब को यहाँ बुला बोला, देखिए दोस्ती करते, टुगेदर इंडिया एंड चाइना कैन डू अ लॉट, जो पोटेंशियल था भी। पर आप जानते हैं उनकी मानसिकता क्या है, वो एक्सपेंशन विस्तारवाद की मानसिकता रखते हैं, पतन, शोषण, लोगों को दबाना, हर चीज के कंट्रोल करने की मानसिकता रखते हैं, तो वो चीज हो नहीं पाई। चीजें बदली गलवान के बाद, गलवान वॉज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद चीजें बिल्कुल दूसरी तरफ हो गई। फिर हमने ऐप बैन किया, फिर हमने कई सारी चीज की। अगर आज कोई चाइना के सामने खड़ा है जो पूरी दुनिया को हिम्मत दे रहा, जिसके कारण क्वाड बना, जिसके कारण दुनिया के छोटे बड़े देश चाइना को बकाया, भैया जो तुम्हारे बस का करो, वो है भारत, वो है मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ। पहली बात। अब आते ट्रेड पे। यूएस के साथ चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, 600 बिलियन अंबर जी, 600 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था यूएस का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोला था, अगर मैं कल ट्रेड करना बंद करूं, आई स्ट्रेट वे सेव 600 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ा पैसा होता है। हमारा 60 बिलियन का डेफिसिट था। फिर धीरे धीरे ये हमने घटा के 45 से 50 बिलियन किया, और ऐप बैन वगैरह के बाद ये ट्रेड का कम भी हो गया, तो डेफिसिट कम हुआ। अब हुआ क्या, अब ये जो धीरे धीरे कोरोना खुल गया, इकोनॉमिया खुलने लगी, वर्ल्ड को लगा यार हमें जो जो हम कहते हैं अपने लैंग्वेज में सप्लाई चेन्स हैव टू बी रेजिलियंट। इनको हमें चाइना डिपेंडेंट नहीं करना। आज जब किसी भी एमएनसी में बात कीजिए, आप किसी भी दुनिया की कंपनी में बात कीजिए, एक मैसेज अंबर जी हर मैनेजर, हर सीईओ, हर मैनेजिंग डायरेक्टर को बिल्कुल क्लियर दिया गया, खासकर यूएस और यूरोपियन बेस्ड कंपनियों में, रिड्यूस डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। अब जब रिड्यूस डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना करते हो तो नए मार्केट, नए समीकरण खुल रहे हैं। अब क्या हो रहा था, मान लीजिए पहले हमारा चाइना से आता था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, फिर आता था कुछ पांच चीजें, सबसे ज्यादा आता था इलेक्ट्रॉनिक। अब आपने देखो पीछे हमने 10 बिलियन डॉलर का एक इंसेंटिव निकाला जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा था चिप्स और मोबाइल के कंपोनेंट्स, पार्ट्स। तो अगर आप इसको हटा दो तो करीब करीब आपका एक जो 50% चंक है वो चाइना से डिपेंडेंस हट जाती है। फिर ऐसे हमने कुछ और चीजें हटा, मतलब 5 चीजें आइडेंटिफाई की जिनको हम धीरे 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 हटा रहे हैं, उन पे काम चल रहा है। पर अब जब वर्ल्ड में ये जो खलबली मची है, भाई सप्लाई चेन्स हटाओ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले फोन लेता था चाइना से, अब मैंने फोन लेना बंद कर दिया। मान लीजिए मैं जापान से कंपोनेंट्स लेता हूँ, अब मेरे को जापान को किसी और चीज की जरूरत पड़ गई, हमें किसी और की जरूरत पड़ गई। ये जो अभी मंथन हो रहा है ना, इसके कारण चीजें ऊपर के, हम इसको तो हटा रहे, वहां उसकी जरूरत पड़ रही, इसको हटा रहे, वहां की जरूरत पड़ रही। तो ये जो ट्रेड बढ़ा है, ये कोविड के बाद जो इकोनॉमी में उछाल आया, जो इकोनॉमीज लेटेंट हो गई थी, पर जो ट्रेडिशनल एरियाज है जहां हमारी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है, वहां ट्रेड डिपेंडेंस घटी है, वहां बिजनेस घटा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम की बात है। यूएस ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमें चाइना से लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं करना, हमारी भी मंशा लगभग लगभग वही है। आप देखेंगे विद सम पार्ट, कुछ टाइम बाद ये जो डिपेंडेंस है और घटेगी, और उसके बाद ट्रेड के घटने की संभावना। आजकल चाइना में देखिए, चाइना में बचा क्या है, आप देखिए करीब 67% वुमेन आर वर्किंग, जिनका बच्चा नहीं है, ठीक है जी। आपका देखिए 3 साल में मोस्ट ऑफ द एसएमईज विल क्लोज्ड। $50 trillion का डेट है अंबर जी, $50 trillion, विच इज 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। डेट सर्विसिंग कॉस्ट 1 ट्रिलियन है, जितना तो बहुत बहुत कंट्रियों का जीडीपी नहीं होता। 320% जीडीपी चाइनाज डेट, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब इतना ज्यादा है नहीं, इन्फ्लेशन वहां बहुत ज्यादा बढ़ गई। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक नया जादू किया है, फ्रेट टू चाइना हैज इंक्रीज 5 टाइम्स, 5 गुना। जहां का $1,000 फ्रेट लगता था, मान लीजिए लंदन से चाइना, आज भी $5,000 लगता, तब भी शिपिंग लाइन नहीं मिलती। दूसरा एक उन्होंने नाटक शुरू किया अंबर जी, एक नया जादू शुरू किया है, वो पैसे लेके भी लोगों का सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो क्या करें, हमारे यहाँ जी बिजली नहीं है, कोयले की दिक्कत है। आपको याद होगा हमारे यहाँ भी कुछ नेता ऐसे हैं, वो जादूगर यहाँ भी है, जिन्होंने ये भी जादू करने की कोशिश की थी, भाई इंडिया में कोयला नहीं है, एक दिन ब्लैकआउट, आधा दिन ब्लैकआउट, डेढ़ दिन ब्लैकआउट, बड़े आते हैं अंबर जी, फोटो वोटो बनवाते, खूब टीवी पे अपना प्रचार करते हैं, पर
दुर्भाग्य ये है कि अच्छी चीजों के लिए प्रचार करें तो समझ भी आता है। अब मुझे बताइए, तब आरके सिंह जी ने क्लियर कहा था ना कोयले की कमी है ना ब्लैकआउट की कमी है। अब देखिए क्या हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, जब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है, इंडिया एक ऑल्टरनेट बन रहा है, एप्पल का सबसे बड़ा प्लांट अभी यहाँ शुरू होगा, शायद 3 या 6 महीने में प्रोडक्शन शुरू कर देगा, आजकल ड्राई रन चल रहे हैं, ऐसे हर एक की जो करीब अभी मेरे पास जहां तक आंकड़े हैं करीब 500 कंपनियां चाइना से बड़ी यहाँ शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट होने के प्रोसेस में। अब उनकी इकोनॉमी ठंडी हो रही है। अब IMF का आप डाटा देखें, IMF ने कहा पिछले आने वाले 3 साल तक चाइना की इकोनॉमी नहीं उठेगी और हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता दिया। यहाँ भी ये धारणा बनाई जाती है कि यहाँ पावर नहीं है, ये नहीं कि चाइना में दिक्कत है, दिक्कत हर जगह है, जबकि आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता, कब यहाँ ब्लैकआउट हुआ, किस दिन यहाँ लाइट गई, कब यहाँ कोयला खत्म हुआ, ये सब चीजें जो है बनाई जाती है। आप देखिए जब हमारे विंस्ट्रॉन के प्लांट में हमला होता है, 15 मिनट बाद ये अंबर जी 15 मिनट बाद अंबर जी ग्लोबल टाइम्स लिखता है इंडिया इज नॉट अ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस। मैं बताऊं भाई, तुमसे पूछ के हमला किया था, तुम्हें 15 मिनट बाद कैसे जानकारी, 15 मिनट बाद ही तुम चालू हो गए। तो ये अगर हम इन सब चीजों को जोड़े, हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट में उसमें जी शॉर्ट सर्किट हो जाता और जो हमारी वैक्सीन बनाने की क्षमता वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप हमारा LG का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ था, वो लॉकडाउन में बैठे बैठे उसमें गैस लीक हो जाती है। ऐसे कई सारे उदाहरण है, अगर आप उनको जाने, पीछे पुतिन साहब पे इतना प्रेशर था वो इंडिया ना हो 10 साल का मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें आ रही है। बट ये जो अभी मंथन चल रहा है इसमें से अल्टीमेटली जो एक आपने भी सुना होगा, जब दिया बुझने वाला तो उसकी लो बढ़ती है, मतलब इसके बाद दिया बुझने वाला चाइना के साथ जो ट्रेड है उसकी बिजनेस, उसका गणित यही है, चाइना इज एडवर्सरी। और जब से हमने S-400 ब्रह्मोस में सुखोई और राफेल डिप्लॉयमेंट की है, चाइना और भी परेशान हो गया है कि अब करे क्या। आप देखिए अब छोटे से छोटा देश चाइना को कह रहा भैया पतंग उड़ाओ, जो तुम्हारे बस का करो, शुरुआत हमने की थी, इस मिथ को हमने शैटर किया था, कह रहे थे PLA इज इनविंसिबल, चाइना के पास इतनी आर्मी, ये कोई खड़ा नहीं हो सकता जी चाइना के सामने। यहाँ तो कुछ राजनेता एडवाइस दे रहे थे, अरे आप कैसे चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओगे, आप चाइना को कैसे बात करोगे। और मुझे जो तकलीफ है, जो चाइना की प्रोपोगंडा अंबर जी कि ब्लैकआउट होगा, कोयला नहीं है, TV पे आ रहे, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे, अब क्या होता है यही वीडियो कट कट के पाकिस्तान में चलते हैं, अमेरिका में चलते हैं, चाइना में चलते हैं कि भाई फलाना इंडिया का लीडर कहना यहाँ कोयला नहीं है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। और आज मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आके माफी मांगोगे क्या, बोलोगे हमसे गलती हो गई, अगर आपसे तब गलती होगी तो आपको उसी TV पे आके उसी जनता के सामने आज माफी भी मांगनी चाहिए, नहीं तो आप चाइना के साथ आपकी कुछ सांठगांठ है। मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ बेस्ट क्वालिटी चुनती हूँ, इसीलिए मैं कंट्री डिलाइट का ही काउ मिल्क लेती हूँ। मलाई बहुत सारी और बहुत गाढ़ी आती है, हर दिन हम 2 लीटर काउ मिल्क मंगवाते हैं और 1 महीने में ये 1 बॉटल जितना की घर पर ही बन जाता है। आप भी ट्राई कीजिए ना कंट्री डिलाइट का काउ मिल्क, जो सीधा फार्म से आता है, अच्छा लगेगा। तो कंट्री डिलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए और पाइए 100% कैश बैक अपने फर्स्ट रिचार्ज पर। बहुत मजेदार कहानी याद आई। कौन सी? जी बिल्कुल, ऐसा हम देखते हैं कि भारत में अक्सर जो हमारी सोशल मीडिया है उस पर भी जो ये चीनी सामान को खरीदने के लिए बायकॉट करने की अपील की जाती है, बताया जाता है कि जो भी हम चीनी सामान खरीदते हैं वो उसी का वो प्रॉफिट शेयर वो हमारी फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसे में उन अपील को हम बेअसर समझें या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए अंबर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, जब सप्लाई चेन्स बनती है डेकेड्स में बनती है, क्योंकि चाइना में 1970 में जब हम यहाँ नॉन अलाइन मूवमेंट की पतंगे उड़ा रहे थे ना, वो यंग टर्क्स नॉन अलाइन मूवमेंट, काफी हमने अपने आप को खताब दिए थे, राइट, और भाई हम ये अंडी अपार्थेड, चलिए तब चाइना ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया था, तब चाइना ने इकोनॉमी शुरू की थी, 30 साल का एडवांटेज था चाइना के पास हमारे मुकाबले। अब जब ये सप्लाई चेन्स बनी, और एक मैं आपको दौर ले जाऊंगा, अगर आप डाटा देखें, फिगर्स देखें, जब बिल क्लिंटन और जो बाइडन थे उस 8 साल में चाइना लिटरली अमेरिका में घुस गया,
सॉरी ओबामा और जो बाइडन, सॉरी नॉट बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडन थे, तब उसके पहले का डाटा उठाइए, उसके बाद का डाटा उठाइए, आप देखेंगे और 8 साल में चाइना ने बिल्कुल अपनी पकड़ बना दी यूएस पे। यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा मार्केट। अब जिन सप्लाई चेन्स को बनने में सालों लगते हैं, दसियों साल, अगर आप डिकपलिंग करो तो डिकपलिंग अंबर जी कम से कम 5 साल 7 साल का टाइम लगेगा, इतनी जल्दी डिकपलिंग नहीं होगी। अभी डिकपलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है, पर ये प्रोसेस टीडियस है, पेन टेकिंग है, इट विल टेक टाइम। और आपको एक और बात बताऊं, जब ये गलवान वगैरह का इंसिडेंट हुआ था, मैं हमारे नेशनल टीवी पे मैंने एक बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया था। मैंने बोला भाई हम ये अगरबत्तियां चाइना से मंगा रहे हैं 800 करोड़ की, करीब 110 मिलियन डॉलर 110 मिलियन डॉलर, 800 करोड़ की अगरबत्तियां, इंडिया में अगरबत्ती नहीं बन सकती है, हमें चाइना से अगरबत्ती मंगाने की क्या जरूरत है। आज उसके फलस्वरूप अंबर जी अगरबत्तियों पे फिर मुझे पता लगा कि बैन हो गया, ऐसी कई सारी आइटम आइडेंटिफाई की गई जिनमें अगरबत्तियां भी था, यू कैनॉट टूडे इम्पोर्ट अगरबत्ती। और ये चीजें जब तक जनसाधारण में नहीं आएगी, आपके और हमारे बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग ये जो कॉमन बंदा है ना हमारा रोड पे जो भाई है बहन है, उनको लगना चाहिए यार मैं क्यों नहीं। देखिए मेरे घर में कोई चाइनीज सामान नहीं आता, मैं तो ये जानता हूँ। मैं अगर कोई ई कॉमर्स पे भी खरीदता हूँ तो मैंने एक और सिफारिश की थी टीवी पे कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। अब देखिए हब हर ई कॉमर्स साइट पे सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन लगा है कि ये सामान असली कहाँ का है। ऐसा तो नहीं कि मैंने इम्पोर्ट कर लिया, मैंने उस पे जी सुमित पीर का ठप्पा लगा के बेच रहा हूँ, आया चाइना से। तो ये बहुत चलता था, स्टिकर लगते थे, डब्बा बदलता था, मेड इन इंडिया करते। अब सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन बताना जरूरी है, पर ये चीजें तब तक विफल होंगी और होती रहेंगी जब तक हम आप नहीं, हमारे देखने वाले दर्शक, उनसे निवेदन है आप हमारे भाइयों बहनों देखें और ये देखें और देखें क्या आप चाइना को पैसे तो नहीं पहुंचा रहे। ये आपकी और हमारी सबकी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, चीन दुनिया का एक मैन्युफैक्चरर है, अब इतना ज्यादा बढ़ गया क्या कभी। जी अंबा जी, दो तीन चीजें इसमें। सबसे पहली बात है कि चाइना की हमसे दुश्मनी है क्या, दिक्कत क्या उनको? दिक्कत यही है चाइना को बनना है ग्लोबल सुपर पावर, और इंडिया के होते वो तो एशियन सुपर पावर नहीं बन रहे, ग्लोबल तो दूर की है। आज आप देखिए यूएसएस और चाइना में एक फर्क है, यूएसएसआर मिलिट्री सुपर पावर है, चाहे इकोनॉमिक सुपर पावर हो ना हो, यूएस एक सुपर पावर है, एस्टेब्लिश्ड है। यूएसएसआर की या रशिया की इकोनॉमी आज कितनी भी कम हो पर तब भी एक सुपर पावर है। चाइना की जो सुपर पावर बनने की मंशा थी और दुनिया में दुनिया को कंट्रोल करने की मंशा थी। अब देखिए चाइना कहता है रिलीजन इज पॉइजन, रिलीजन ये सीसीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो कहते जो वहाँ बाइबल आती है अंबर जी, दैट इज एडिटेड बाय सीसीपी, सीसीपी का एडिटेड वर्जन है, जो वहाँ चर्चेस में प्रीस है उनको सीसीपी इलेक्ट करता है, मतलब वो प्रीस का उनके ही मेंबर है, उनको ही मतलब प्रीस बना के बैठाते हैं। वो कहते हैं विल रिराइट द होली कुरान, ये सीसीपी कहता है। अब जो ऐसी मानसिकता रखते कि भाई जो माओज़ेदुंग है ये भगवान भी है, ये खुदा भी है, ये क्राइस्ट भी है, ऐसी विचारधारा डेंजरस है पूरे दुनिया के लिए। उनको रोकने वाला, उनके रास्ते में एक ही रोड़ा है, वो है भारत। अब भारत से क्यों डरते हैं? सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ। अभी आपने देखा होगा चाइना की बर्थ रेट गिर गई है, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए, अब इंसेंटिव दे रहे हैं तीसरे बच्चे पे। उनकी वर्किंग 64% या 67% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, दे कैन नॉट बेयर चाइल्ड्स। हमारे 27% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, हमारी फर्टिलिटी स्टिल 2.1 की गिर गई है। वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन, आने वाले 10 साल में हमारी एज होगी 35 साल, उनकी एज होगी 48 साल। वहाँ काम करने वाला नहीं है, वहाँ 4 फसलें नहीं होती, एग्रीकल्चर पे जो लैंड है वो कम है। सबसे बड़ा डेट चाइना के पास, सबसे बड़ा डेट सर्विसिंग कॉस्ट चाइना के पास, और सबसे बड़ी बात अंबर जी कि जो चाइना की इकोनॉमी चलती है एक्सपोर्ट पे, और दिन ब दिन जो रेजेंटमेंट आ रहा उसके प्रति, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। चाइना के पास एनर्जी अपनी है नहीं, कह रहा अभी कह रहा कोयला है नहीं, पेट्रोल है। चाइना के आपने देखो गोस्टीज, कितनी गोस्टीज बनाई है चाइना की, 5 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी है पेमेंट्स पे। चाइना ने क्रैक डाउन किया अपने टेक पे, $3 ट्रिलियन का तो वो क्रैक डाउन था। चाइना में 150 बिलियनर्स मिसिंग है, 150 बिलियनर्स। जी वो है ना जैकमा, वो पता नहीं बेचारा कहां से जादू वादू से फिर जिंदा हो गया, वरना उसका भी फातिया पढ़ा दिया था उन्होंने, जो भी है। अब देखिए ऐसे जादू वहां होते, 150 बिलियनर मिसिंग है। तो ये जो वहां की हालत है, मुंह अब खोल नहीं सकते, किसी को भी अंदर कर देते हैं, एनएसए लगा देते हैं। और ये जो चाइना की इकोनॉमी के, मुझे मेरा जो आप आज मैं आपको